समय के साथ आदिमानव का दिमाग विकसित होने लगा और आगे चलकर एक और प्रजाति हुई जिसका नाम एबिकस था। इन्होंने सबसे पहले पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही एक मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना हमारे पूर्वजों को हथौड़ा मिल गया, अब यह बहुत सारे काम कर सकते थे। समय के साथ अब हमारे पूर्वज समूह में रहकर अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। होमो हैबिलिस प्रजाति ने सबसे पहले आग की खोज की थी। यह काफ़ी बुद्धिमान थे। आग इनके लिए सबसे बड़ी खोज थी। इन्होंने धीरे धीरे आग पर मांस पकाना सीख लिया था। अब आग पर खाना पकाने की वजह से इनको बचाने के लिए कम ऊर्जा लगती थी, जिसकी वजह से यह ऊर्जा उनके दिमाग में विकसित होने लगी। अब ज़्यादा ताकत मिलने लगी। करीब 2 लाख साल पहले यह पूरी तरह इंसान के रूप में बन चुके थे। अब लेरिंगस आवाज़ की नली ऊपर आ चुकी थी। इसके बाद हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास था। इसके बाद पूरी तरह इंसानों की प्रगति बदलने लगी।